ताने बस अड्डे बंद हो गया, हम लोग क्या करके खाएं। और ये है इन आउट वाला गेट जोड़ा है, इस टाइम बंद है। पुराने बस अड्डे के कबूतर दोस्तों, पिछले हफ्ते तक ये जड़ा पुल है वो बस स्टैंड वाला पुल आप जानते सी, और इत्थे है पटियाले का पुराना बस स्टैंड। पुराना ऐसे करके क्योंकि नवा बन चुके है तो इनॉग्रेशन हो चुकी है। ये सज्जे पासे हैगा पुराना पटियाला बस स्टैंड, तो देखते हैं की हाल है। दोस्तों ये है आज दे हालात पुराने बस स्टैंड के। किसी टाइम इत्थे हलचल भज नठ बसा की पकड़म पकड़ाई तो भीड़ भाड़ होंदी सी, जिहड़ा इस टाइम बिल्कुल वीरान क्योंकि इत्थों बस सर्विस हुण बंद हो गई और नवा बस स्टैंड बाईपास से शुरू हो गया। यह एक बोर्ड लग्या होया पटियाला नवा बस स्टैंड हीराबाद लक्कड़ मंडी पुराना बस स्टैंड खंडा चौंक दुखनिवार बाईपास बार मत वापसी। ये इस टाइम इतों गेट बंद है, इतों बसा बाहर निकल गया सी और बसा की एंट्री होंगी सी इस गेट तो। यह सारे काउंटर ने देखो, इतों आप देखिए शायद तुम्हें दिखेंगे या आप। एक गेट ये हुंदा सी इधरों साइकिल स्टैंड, इत्थे साइकिल्स पार्किंग हुंदी सी, कुछ कार पार्किंग भी हुंदी सी। एक ए साइड सी, एस साइड बस पासिस हुंदे सी जिथे शेड बनया होया, इत्थे लोग खड़दे सी स्टूडेंट्स। तुहानू याद आ जूगा ये सामने हैगा और ये शेड तो बाद ये आ गया जी अंब संतरे का ठंडा जूस, इतों आप देखा सीगा। और काउंटर नंबर एक, इतों काउंटर नंबर एक ते आ गया दो, ठीक है। इस तरीके नाल ही अगे अगे सारे काउंटर बिल्कुल सुनसान है। इस टाइम जिथे पैर रखने को थान नहीं होंगी सी उस बिल्कुल सुनसान। तुहाडियां कुछ यादां इत्थे जुड़ियां होन, किसे नूं लैण आए हों, रिसीव करन आए हों, जां इत्थों बस लई हो तां कमेंट्स जरूर लिखियो कोई याद होई तुहाडी तां। ते इस टाइम में बिल्कुल वीरान, की नैक्सट फ्यूचर की होगा कुछ आइडिया नहीं। ये है राजपुरा चौंक या जिथों चंडीगढ़ नू बसेस जांदे सी, और ये है इन आउट वाला गेट जोड़ा इस टाइम बंद है। इत्थों शिफ्ट हो चुके है बस स्टैंड, ये नोटिस बोर्ड किस तरीके नाल बसेस सर्विस चल दी सी टाइमिंग लोगो इतने। पंजाबी यूनिवर्सिटी की बसिस पार्क होंदिया सी, बड़ा सफ़र किया यूनिवर्सिटी तक का 1995 इतों बस लेंदे होंदे सी। हालांकि अब संडे है पर वैसे जे इत्थे बस सर्विस होंगी तो इन्ना खाली नहीं होना सी, रश होंदा मोस्टली, लेकिन बस स्टैंड बंद होने करके इस टाइम। ए साइड हैगा रेलवे स्टेशन पटियाले का, और ये सीगा रोड राजपुरा चंडीगढ़ नूं जांदी है, ये राजपुरा चौंक।
मोस्टली धरने वगैरह इतने लगते हैं। एक बई होर वीडियो बना रहे हैं। इन्नी खाली सड़क कदे कदे भी नहीं मिली, किन्ने साल हो गए सानू देख लिया, क्योंकि इतने हमेशा ही हौच पौच। ये तो बहुत पुराने है जी, कई साल हो चुके हैं। तो जी कोशिश करो भी बस अड्डा किसी ना किसी तरह किसी होर उससे शुरू हो जाए। हाँ जी हाँ जी, कोई और किस्म का चला दी कोई बस। हाँ जी, तुसी हाँ जी, मैं विनय ढिल्लो। जेड़े साढ़े इत्थे रेहड़ियां वाले सीगे वो बहुत ज़्यादा खुश सीगे, जद चलदा हुंदा सी बस स्टैंड, पुराना बस स्टैंड सीगा, बहुत ज़्यादा वधिया लगदा सी सानू। असी इत्थे खेड़ के जवान होए हैं, 50 साल तो ये 60 साल तो इत्थे बस स्टैंड सीगा। हुण सानू इदां लगदा कि यह पिंड च असी एक कस्बे च रह रहे हैं। सानू बहुत बुरा लग रहा, दुकाना इत्थे बेचारे लख लख रुपया यह लाई बैठे हैं, उन्हां दा माल खराब हो गया, ठीक है ना। जिहड़े 50-50 लख जिन्हां ने होटलों के लाए हैं वह बेरोज़गार हो गए। साडे ऑटो चालक जिन्ने भी सीगे सारे बेरोज़गार हो गए। असी मान सरकार नूं यही अपील करते हैं हाथ जोड़ के कि इत्थे दोबारा बस स्टैंड या लोकल अड्डा आना चाहिए। धन्यवाद। बस स्टैंड की बैक साइड तो एक एंट्री इस साइड तो सी, ये चौंक है जिहड़ा कैपिटल सिनेमे वाला चौंक, और ये सारिया रेहड़ियां जिहड़ियां फूड्स दियां, देखो इस टाइम बिल्कुल खाली क्योंकि बस स्टैंड बंद हो चुके है और बिल्कुल रौनक इत्थे गायब। किसी टाइम इत्थे पैर रखण नूं थां नहीं मिलदी सी। ये वाला जिहड़ा गेट है वो एक साइड का गेट है, एक नंबर गेट इस साइड तो जिहड़ा कैपिटल सिनेमे वाला चौक है उत्थों एंट्री। बस टाइम बंद, इत्थे साइकिल स्टैंड हुंदा सी किसी टाइम, और इस टाइम बिल्कुल बंद सुनसान। ताला लग्या होया। किसी टाइम इत्थे बहुत ही चहल पहल रौनक हुंदी सी और इस टाइम बिल्कुल खाली। बस साइकिल स्टैंड भरिया हुंदा सी, जगह भी नहीं हुंदी सी साइकिल खड़ी करन नूं, स्कूटर खड़ी करन नूं, बिल्कुल सुनसान हो चुका।
ਇਹ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਗੇਟ ਇਸ ਸਾਈਡ ਗੱਡੀ ਕੋਲ ਖੜ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ पुराने बस अड्डे बंद हो गया, हम लोग क्या करके खाएं बताओ। अब कोई रोजी रोजगार यहाँ नहीं है, यहाँ शहर का सेटल था, रोज हम लोग का काम चल रहा था, उतना दूर से कोई रिक्शे में चढ़ता नहीं, कोई ऑटो में भी नहीं चढ़ता, क्या सारा लोग करेगा। पहले ठीक था, सबका रोजी रोटी चल रहा था, और क्या करें हम। कुछ ने कुछ उपाय करना चाहिए तब ने हम लोग का यहाँ रोटी चलेगा, क्या करनी है। सारा रिक्शा वाला क्या करेगा, मर जाएगा, इसी ऑटो वाला भी मर रहा। मैं जी 5 साल तो कर रही काम मुझे जो सा बस पुराना सी बस स्टैंड तो उदो वही काम चलता सी साडा जो नवा बस चले हूँ 4 दिन तो चले तो हूँ साम बहुत घट गया तो उ सू जगह नहीं मिलती भी खड़न की भी तो अभी परेशान बहुत हो रहे हैं तो सब समझ आते करिए कि हूँ जब तक सरकार चाहे तो वे बस स्टैंड चलावे साडा बस स्टैंड पुराना चाहे लोकल बस चलावे साडा काम चलता ही हो जाएगा। हाँ जी हाँ जी अद जी दसो खड़े हैं पुराने खड़े बंदे सारे साढ़े भाई खड़े सारे देखो सारे खड़े बेचारे वेले खड़े हैं तो गल है कि हूँ असं करे की हूँ इस रोड के उपर सतेंद्र सरताज की जिहड़ी फिल्म सी हुणी रीसेंटली जिहड़ी कलीजोटा उसकी भी शूटिंग इस सड़क के उपर हुई जिस वामिका गब्बी का इंट्रोडक्शन फिल्म दे विच होया। एक अद्धी कोई सवारी इत्थे शायद आ रही है। अपना तकरीबन 13 साल तो है जी ये बस स्टैंड से ड्यूटी कर रहे हैं, PRTC दे विच जॉब करते हैं ते काफ़ी लगाव है, प्यार है। हुण ते आ सुन्ना देख के मन नूं ठेस पहुँचती है भी सुन्ना हो गया, कितने रौनकां मेले लगे होंदे सीगे इत्थे। बिल्कुल रोजी रोटी तो सारा ही चल रही, हुण पटियाले ही है सारा, रोजी रोटी इहदे सिर ते सीगी। चलो ठीक है जो सरकार ने किया, पर इहदे नाल जनता हैरान हो रही है। फिलहाल बहुत परेशानी आ रही है नवे अड्डे च, सवारियां वगैरह नूं नहीं पता लग रहा भी किहड़ा काउंटर कित्थे है, की हिसाब किताब है, काफ़ी मुश्किलां ने। ते जिहड़ी ट्रैफिक की समस्या सीगी वह जरूर सॉल्व हुई है, ते जिथे किसी नूं फायदा होया नुकसान भी होया, पर ज़्यादातर जिहड़े पटियाला दे वासी सीगे इन्ने सालों तो बाजार पिंडां दे लोक आउंदे सीगे इत्थे खरीदारी करदे सीगे, पर उहनां दा हाँ बिल्कुल उहनां दा ठप्प हो गया कम। तो जिन्होंने मत्था टेकन जाना है दुखनवार साहब या माता दे मंदर तो रजिंद्रा अस्पताल दूर पै गया जी। तो दूजा नंबर यह है भी हुण जेब ते भी काफ़ी बोझ पैंदा जनता दे, क्योंकि आटो रिक्शा चलते आ, जे आपां नवें अड्डे तो पुराने बस स्टैंड भी आईए तो 50 रुपये किराया लेंदे आ, बिल्कुल लगता जी। तो जे अगे जाना तो होर भी वध लगेगा, इस करके प्रॉब्लम आ रही ने। बाकी सरकार ने जो सोचा भी ये भी सोचना चाहिए सीगा कि ये बस स्टैंड नाल चलता रख लेंगे कि इन्हों का रुजगार भी चली जाता। हूँ वेखो सारा काम तुम वेख्या होना ठप्प पिया, दुकाना सारिया वेखो सुनसान हो गया, ये चीज़ बारे जरूर सोचना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, कुछ ना कुछ अद्धा बस स्टैंड चलता रहा, कुछ ना कुछ रुजगार इन्हों का भी चलता रहा, तो लौंग रूट वाली बसा जिमें बहर ने वो चली जा। ये
तस्वीर अपने आप विच ही बहुत कुछ कह रही है। सनसेट और इस टाइम शाम का टाइम बिल्कुल सुनसान बस स्टैंड जेड़ा कि किसी टाइम हलचल दे नाल भरिया शाम का टाइम लोग भी जेड़े भी जुड़े हुए ने इस चीज़ के नाल वो ये यादा हमेशा अपने नाल रखेंगे और सारे ही देख के परेशान हो रहे हैं। तो दोस्तों ये थोड़ा होर क्लोज अप तुसी देख सकते हो इत्थे ऑफिसेस और काउंटर नंबर ये हैगा तुहाडा 3 नंबर एक दरख्त विच आ गया ये लीची अते मैंगो दा ठंडा जूस बंद हो चुका है। किसी ने जरूर इतों ये पीता होना शायद तुम्हें याद आ जाए। काउंटर नंबर 9 एक ये है जी देखो कोशिश करो जो तुम पढ़ सकते हो। ओके उस तो बाद ये सारिया शॉप्स APRTC का ऑफिस इंक्वायरी वगैरह इतने होंगी सी इतने ATM ये हैगा इंक्वायरी ऑफिस कुछ पिछ ठीक है क्या है तो 15 नंबर चेंज कर दो। ये आ गए यूरिनल्स पंजाब एग्रो एक शॉप हजे भी खुली है और ये है वेइंग मशीन 21 नंबर एक ये शॉप खुली है एप्पल लीची जूस। ओके देख रहे हैं कितने है जेडे डेली पैसेंजर से उन्होंने तो ऑलमोस्ट याद ही होना केड़े केड़े काउंटर तो केड़ी केड़ी बस सर्विस मिलती सी। ये दो कबूतर ही रह गए इतने बाकी तो बस स्टैंड सारा बंद हो चुके हैं। ये देखो जी कबूतर तुम देख सकते पुराने बस अड्डे के कबूतर। रिक्शा का लोन नहीं किस्ती बैंक से लोन लेके रिक्शा खरीदा उनके पास एक बारी 20 रुपए लग रहा है। सर जी बोलिए कहाँ से गुजर बसर चार बच्चे की कहाँ से जिंदगी कटेगा। सरकार ने बोले थे कि छोटा अड्डा यहाँ पे रहेगा पूरे दिन की है पर्ची एक बारी एक गेड़ा से 80 रुपए 100 का गेड़ा मिलता जी
20 रुपए का पर्ची कट रहा है सर, बोलिए चार गेड़े लगते हैं, बैटिक लॉ हो जाता है सर। बताओ कि मान सरकार कौन सी अच्छी काम कर रहा है बताइए, कि अगर उसने वादा किया। एक बिल्कुल धोखाधारी शहर में सन्नाटा हुआ, कोरोना वाला हाल हुआ पड़ा है, बताइए कि पब्लिक कैसे जिएंगे, हमारे चार बच्चे की गुजर कैसे होएगा बताओ, शहर की श्रमशान बना दिया है। हाँ, लोकल बस का इतने की होना चाहिए, लोकल बस खुलना चाहिए जी, 50-60 किलोमीटर रूट चले हो रहे, लोगों को कितनी हरासमेंट हो रही है, काम का ठप हो गया लोगों का, रेहड़ी वाले, कोठे वाले, दुकाना वाले सारे बेरोजगार हो गए।